गुरुभ्यो नमः। यदविद्या विरासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नमो परमात्मानं सच्चिदानन्दं तत्पदार्थो निरूपितः इदानीं त्वं पदार्थो निरूप्यते। महावाक्य में तत् त्वं दो पद हैं, तो तत्पद से जिस अर्थ को लेना है उसका स्वरूप परमेश्वर है और उसका निरूपण हो चुका है। अब त्वं पद से जीव को लेना है तो उसका स्वरूप क्या है, तो इसका निरूपण कर रहे हैं। एक जीववादे अविद्या प्रतिबिंबो जीव, वेदांत में एक जीववाद नाना जीववाद ऐसा जीव के विषय में दो वाद प्रसिद्ध हैं। तो एक जीववाद को यदि लेते हैं तो उस वाद में अविद्या में जो चैतन्य का प्रतिबिंब है वही जीव है, उसको हम जीव कहते हैं। अविद्या तो एक है और उसमें जो चैतन्य का प्रतिबिंब है वो भी एक है, इसीलिए एक जीववाद कहा जाता है। एक जीववादे अविद्या प्रतिबिंबो जीवता। अनेक जीववादे तो अंतःकरण प्रतिबिंब जीव इसका अनुषंग हो जाएगा। तो अनेक जीववाद लेते हैं तो अविद्या प्रतिबिंब जीव नहीं, अविद्या कार्य है अंतःकरण। तो अंतःकरण में जो चैतन्य का प्रतिबिंब है वही प्रतिबिंब जीव होता है। अब अंतःकरण अनंत है तो इसीलिए उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब भी अनंत है, अतः जीव अनंत है। तो इस तरह अनेक जीववाद में अंतःकरण को जीव की उपाधि मानते हैं। तो एक जीववाद में अंतःकरण नहीं है, अंतःकरण तो है एक जीववाद में भी, लेकिन जीव के उपाधि के रूप में उसको नहीं लेते। एक जीववाद अनेक जीववाद दोनों वादों में जीव का स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, सब है। सूक्ष्म शरीर में यही सप्तदश लिंग सप्तदशात्मक लिंग शरीर है तो उसमें अंतःकरण भी है ही, किंतु जीव बनने के लिए जो उपाधि है वह उपाधि अंतःकरण नहीं। देखिए अंतःकरण उपाधि होने के बाद भी स्थूल शरीर भिन्न भिन्न हो जाने से जीव भिन्न नहीं बनता, क्योंकि एक शरीर को छोड़ करके वह दूसरे स्थूल शरीर का ग्रहण जब करता है तो जीव में कोई भेद आता नहीं। शरीर जीव हाँ, फिर शरीर भी तो है, उसकी उपाधि शरीर के बिना वह क्या काम कर सकता है। तथापि जीवत्व प्रयोजक उपाधि जीव जीवत उसको जीव बनाने के लिए हम जिस उपाधि को लेंगे वह उपाधि विशेष स्थूल शरीर नहीं बनता, क्योंकि स्थूल शरीर अनेक होने पर भी एक जीव हो सकता है। अविद्या भी नहीं, क्योंकि अविद्या एक है उससे अनेक जीव नहीं बन सकते। तो इसलिए अविद्या कार्यभूत जो अंतःकरण है उस अंतःकरण को जीव भेद का उपाधि मानते हैं, और वह जीवोपाधि होने से जितने अंतःकरण हैं उतने जीव बन जाते हैं। आप प्रश्न कर सकते हैं यदि अंतःकरण को जीवत्वोपाधि मानते हैं तो अंतःकरण तो सादि पदार्थ है, अनादि नहीं, शांत है, तो जीव कैसे अनादि बन सकेगा, है ना प्रश्न तो होगा। अविद्या को उपाधि मानने पर यह आपत्ति नहीं है, क्योंकि अविद्या अनादि है, लेकिन अंतःकरण तो कार्य है, तो कार्य की उत्पत्ति होती है, उस अंतःकरण को उपाधि मानते हैं तो जीव भी सादि बन जाएगा,
तो इस प्रश्न का उत्तर है, अंतःकरण का जो अभिव्यक्त स्थूल रूप है, जिस रूप में वह अपने कार्य के साथ अभिव्यक्त होता है, वह रूप कार्य है, किंतु उसका संस्कार रूप जो है वह अनादि है, सत्कार्य वाले। अंतःकरण अपने रूप में कभी रहता है, कभी अपने कारण रूप में रहता है, तो उसका कारण रूप जो है वह नित्य ही है, नित्य माने अनादि है। तो इस तरह उसी को हम उपाधि मानेंगे, जीवत्व प्रयोजक उपाधि। अंतकरण भी वृत्ति है, वासना भी वृत्ति है। हाँ, अंतकरण स्थूल रूप में यदा हाँ और हाँ तदा नहीं, यह वासना अलग है। वासना और हम अभी जो संस्कार कहते हैं, इन दोनों में फर्क है। आप यह देखिए, हम वासना शब्द से उसको कहते हैं अनुभवजन्य संस्कार, जिसके कारण उसी विषय में पुनः प्रवृत्ति होती है, उसी के विषय का ज्ञान होता है, स्मरण होता है, इसको हम वासना कहते हैं। वो वृत्ति नहीं, वो वृत्ति नहीं, वो संस्कार है, वो भी एक प्रकार का संस्कार है, जिसको हम भावनाख्य संस्कार कहते हैं। लेकिन अभी हम सूक्ष्म रूपात्मक जो संस्कार कहते हैं, वह सविषयक ज्ञानजन्य ऐसा नहीं है। घट पट इत्यादि कार्य पदार्थों के भी संस्कार होते हैं। घट उत्पत्ति के पूर्व में और विनाश के पश्चात किसी सूक्ष्म रूप में रह जाता है, तो वह जो सूक्ष्म रूप है उसको हम संस्कार कहते हैं। यह वासनाख्य संस्कार से अलग है, यह स्मृति को उत्पन्न करने वाला संस्कार नहीं, यह तो उस पदार्थ का ही सूक्ष्म स्वरूप है, जिस रूप में जिस अव्यक्त नाम ले नाम से वह रहता है, फिर व्यक्त हो जाता है। सत्कार्यवाद में सभी कार्य उत्पत्ति के पूर्व में अव्यक्त रूप में रहकर फिर व्यक्त होते हैं, वो जो अव्यक्त अवस्था है उसको हम संस्कार अथवा सूक्ष्म रूप कहते हैं। दोनों में भेद है। संस्कार शब्द तो यहाँ भी प्रयोग किया जाता है, और वासना आप जो कह रहे हैं भावनाख्य संस्कार, उसमें भी यह संस्कार शब्द प्रयुक्त होता है, इसीलिए थोड़ा ये भ्रम हो जाता है। ठीक है, वासना क्षय होने पर भी घटपट आदि संस्कार रह सकते हैं ना? हाँ, हम वो तो रह सकते हैं, क्योंकि एक जीववाद में हुआ अथवा अनेक जीववाद में एक ज्ञानी होने पर भी अन्य संस्कार रखते ही हैं। अत्र अद्वितीय वस्तु एवमेव अस्ति, ऐसा मत समझिए। द्वितीय वस्तु यदि है तो वह उसका संस्कार हो सकता है, ही नहीं तो उसका संस्कार रूप से स्थिति कैसे कर सकते हैं? ज्ञानी की दृष्टि से जब द्वितीय वस्तु है ही नहीं, तो वह कैसे संस्कार रूप से रह सकती है? ये कथा संस्कार हो सकता है, तो हमने इस अभिप्राय से कहा, हम तो मानेंगे हाँ एक जीव में ही संस्कार रहता है, वो तो भावनाख्य संस्कार है, किंतु अन्य संस्कार भी है। जीव मुक्ति ज्ञान प्राप्त है, उसके अन्य संस्कार रखी रखता रख सकता है। वो आपका कहना ठीक है, उसका हम थोड़ा विवरण करते हैं। किसी को भ्रम हुआ, सुक्ति में रजत भ्रम हुआ, वह उसको रजत समझता था, उसका उसकी वासना तो रजत वासना हुई है, लेकिन जब उसका वस्तु तत्व का पता चलता है तब बाध होता है, और इस बाध के कारण उसकी वासना भी समाप्त हो जाती है, बाद में वह उस वस्तु को कभी रजत नहीं कहता। ठीक है,
यहाँ वासना तो समाप्त हो गई है, किंतु दूसरे घटपट आदियों का जो सूक्ष्म रूप संस्कार है वह उसका क्यों विनाश होगा? इसके कारण इसकी वासना समाप्त हो जाने मात्र से दूसरे बाह्य पदार्थों के सूक्ष्म रूप तो नष्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कोई संबंध नहीं है। किंतु सबका मूल जो अविद्या है, उपादान कारण, यदि ब्रह्म तत्व साक्षात्कार से वही अविद्या नष्ट हो जाती है तो उसके कार्य कैसे टिक सकते हैं? वो तो नहीं रहेंगे। आप ज्ञानी किसको कहते हैं? शुक्ति ज्ञानी को नहीं, ब्रह्म तत्व ज्ञानी को बोल रहे हैं। हमने तो शुक्ति तत्व ज्ञान को उदाहरण में लेकर के तब वासना और संस्कार दूसरे पदार्थों का संस्कार हो सकता है यह बताया। लेकिन आप जब ब्रह्म तत्व ज्ञानी की बात कर रहे हैं तो उस समय तो अविद्या रूप उपादान न रहने से उसका कार्य द्वितीय कुछ भी नहीं रहता है। तो इसीलिए संस्कार रूप में भी द्वैत की संभावना उस समय नहीं है। ठीक है। हाँ, यहाँ अनेक जीववाद में अंतःकरण को जीव की उपाधि मानेंगे, लेकिन वो स्थूल सूक्ष्म साधारण रूप में उस अंतःकरण को उपाधि के रूप में मानेंगे। वो स्थूल रूप में हो तब भी वही उपाधि है, और प्रलय काल में यदि सूक्ष्म रूप में है, अव्यक्त रूप में, तब भी वह उपाधि है। तो व्यक्त अव्यक्त साधारण अंतःकरण को हम उपाधि मानते हैं, तो नित्यत्व अनादित्व की क्षति नहीं है। ठीक है। अनेक जीववादे तो अंतःकरण प्रतिबिंब जीव हो गया। सच जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप अवस्था त्रयवा, जीव तीन अवस्थाओं वाला होता है। तीन अवस्थाएं हैं, जागृत जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था। ये तीन अवस्थाएं जीव के ही हैं, परमेश्वर के नहीं है, उसको ऐसी कोई अवस्था नहीं है। सदा भी जागृत है, सदा भी जागृत। तत्र जागृत दशा नाम इंद्रिय जन्य ज्ञानावस्था, जिस अवस्था में जीव अपने इंद्रियों से बाह्य विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है वह अवस्था है जागृत अवस्था। बाह्य इंद्रियों से, केवल चक्षु ही नहीं, सभी इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करता है, तो उस समय हम उसको जागृत कहेंगे। यह उसका लक्षण है। इंद्रिय अवस्थांतरे इंद्रियाभावात् न अतिव्याप्ति, जागृत अवस्था को छोड़ करके स्वप्नावस्था अथवा सुषुप्ति अवस्था, इन दोनों अवस्थाओं में इंद्रिय काम नहीं करते हैं, है ना। तो बाह्य ज्ञानेन्द्रिय जो है उनका उनका कोई योगदान नहीं है, तो इसीलिए वह इंद्रियजन्य ज्ञानावस्था ऐसा उस समय नहीं होता। केवल ज्ञानावस्था कहते हैं तो ज्ञानावस्था स्वप्न में भी है, लेकिन वह ज्ञान इंद्रियजन्य ज्ञान नहीं है, तो इसीलिए उसका वारण करने के लिए इंद्रियजन्य ज्ञानावस्था जागृत अवस्था ऐसा लक्षण कहा गया। इंद्रियजन्य ज्ञानंच अंतःकरण वृत्ति ही, इंद्रियजन्य ज्ञान क्या होता है? चैतन्य तो नहीं, चैतन्य अनादि है, तो इंद्रियजन्य ज्ञान अंतःकरण वृत्ति ही होती है। तो इस तरह देखेंगे तो चैतन्याभिव्यंजक अंतःकरण वृत्ति को ज्ञान बना करके वह ज्ञान इंद्रिय से उत्पन्न होता है, यह कहना पड़ेगा, क्योंकि स्वरूप ज्ञान से अनादित्वा, स्वरूप ज्ञान चैतन्य वह तो अनादि है, जन्य पदार्थ इंद्रिय जन्य हो नहीं सकता। अब एक प्रासंगिक विषय आ रहा है, इसके बाद तो स्वप्नावस्था का निरूपण होना चाहिए, वह होगा बाद में। बीच में एक विचार है, इसको प्रतिकर्म व्यवस्था कहते हैं। इंद्रियजन्य वृत्ति से किसी विषय को हम कैसे जानते हैं? जब वह वृत्ति
होती है तो विषय पर्यंत जाती है, तो उस समय हमारा विषय के साथ क्या संबंध बनता है, जिसके कारण जिस पुरुष का अंतःकरण वहाँ विषय तक जा करके वृत्ति के रूप में परिणत होता है, वही पुरुष उस विषय को जानता है, दूसरा नहीं। यह व्यवस्था होनी चाहिए ना, तो इस व्यवस्था को प्रतिकर्म व्यवस्था कहते हैं। तो उस व्यवस्था को जरा दिखा रहे हैं। साच अंतःकरण वृत्ति ही आवरणाभिभवार्था इति एकम मतम। अंतःकरण की वृत्ति जो उत्पन्न होती है उसका क्या प्रयोजन है, तो कहेंगे चैतन्य में जो आवरण है उस आवरण को दूर करती है यह वृत्ति। तो आवरण का अभिभव करना ही वृत्ति का प्रयोजन है। अभिभव माने उसको हटाना। अच्छा, यह अंतःकरण में जो वृत्ति होती है वह किस चैतन्य में आवरण को हटाती है, तो उसका उपपादन कर रहे हैं। तथा ही अविद्योपहित चैतन्यस्य जीवत्वपक्षे घटादि अधिष्ठान चैतन्यस्य जीव रूपतया जीवस्य सर्वदा घटादि भान प्रसक्तौ घटाद्यवच्छिन्न चैतन्यावारकम् अज्ञानम् मूलाविद्या परतंत्रम् अवस्थापदवाच्यम् अभ्युपगन्तव्यम्। वाक्य एक बना दिया है, हम इसको तोड़ करके अर्थ करेंगे। अभी दो पक्ष कहा गया जीव के बारे में, एक जीववाद नाना जीववाद। तो एक जीववाद में अविद्या प्रतिबिंब है, जीव अविद्या एक है, जीव भी एक है, अविद्या व्यापक है, सर्व वस्तु में उसका संबंध है, तो जीव का भी संबंध है। तो जिस घटक का ज्ञान प्राप्त होना है इस जीव को, उस घट के साथ इस जीव का साक्षात संबंध बना ही है सर्वदा, फिर भी उस घट को वह नहीं देख रहा है, इसका कारण क्या है, तो यह कहते हैं घटावच्छिन्न चैतन्य में एक आवरण है, नाम उसका चैतन्य आवृत है। घटावच्छिन्न चैतन्य आवृत हो जाने से अनावृत चैतन्य का घट के साथ संबंध नहीं है, ठीक है। तो इसी कारण घटादि का भान उसको नहीं हो पा रहा। समझ लीजिए, आप देख तो रहे हैं लेकिन वस्तु अंधकार में है, तो नहीं देख पाएंगे। आंख खुली है किंतु अंधकार में है वस्तु, नहीं देख पाते हैं ना। तो उसी तरह यहाँ पर चैतन्य आवृत हो जाने से उस आवरण के भंग के बिना उस वस्तु का दर्शन संभव नहीं है। कहते हैं अविद्योपहित चैतन्यस्य जीवत्व पक्षे। जब इस पक्ष को हम लेते हैं, अविद्या प्रतिबिंब है जीव, तो उस पक्ष में घटाद्यधिष्ठान चैतन्यस्य जीव रूपतया, तो घट का अधिष्ठान चैतन्य अवश्य ही जीव होगा, क्योंकि घट का उपादान कारण अविद्या है ही, मूलाविद्या। उस मूलाविद्या प्रतिबिंबित चैतन्य वहाँ है नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए घटावच्छिन्न चैतन्य और घट का उपादान अविद्योपहित चैतन्य एक ही वस्तु है, तो वहाँ घट के साथ उसका अवश्य ही संबंध रहता है। तो इस स्थिति में जीवस्य सर्वदा घटादि भान प्रसक्ति प्रसक्ति ही, जीव का साक्षात सभी वस्तुओं के साथ संबंध है, इसीलिए सब वस्तुओं का ज्ञान होना चाहिए सर्वदा, जीव को सर्वज्ञ होना चाहिए, लेकिन होता नहीं। तो इस सर्वज्ञता का वारण करने के लिए हम ऐसी कल्पना करते हैं घटाद्यवच्छिन्न चैतन्य आवारकम अज्ञान। घटाद्यवच्छिन्न चैतन्य में एक अज्ञान है जो उसको आवरण करके रखता है, तो इसीलिए जीव नहीं जान पाता है उस वस्तु, ठीक है। और वह जो अज्ञान है वह मूलाविद्या परतंत्रम अवस्थापदवाच्यम अज्ञान,
यह मूलाज्ञान नहीं। यदि मूलाज्ञान होता तो इसकी निवृत्ति के लिए ब्रह्म साक्षात्कार की आवश्यकता होगी, तो आँख खोल के हम किसी वस्तु को देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि तो ब्रह्म ज्ञान से ही वह आवरण निवृत्त होगा। तो ब्रह्म ज्ञान के बिना कुछ देख ही नहीं पाएगा कोई व्यक्ति। तो इसलिए यह मूला विद्या रूपा ज्ञान नहीं, मूला विद्या का एक सेवक माने उससे उसका परतंत्र है। मूला विद्या यदि हट जाती है तो यह भी हट जाता है, ऐसा है। मूला विद्या हटने के बाद इसकी निवृत्ति के लिए दूसरा प्रयत्न, दूसरे ज्ञान की अपेक्षा नहीं, इसलिए मूला विद्या परतंत्र इसको कहते हैं, ठीक है। ऐसा एक अज्ञान है जिसको हम तूला ज्ञान भी कहते हैं, अवस्था ज्ञान भी कहते हैं। वह अवस्था ज्ञान एक अवश्य आवश्यक है इस आवरण के लिए। हाँ, उसको मान लेने से क्या लाभ हुआ? एवं सती सर्वदा न घटादेर भान प्रसंग। अब घट सर्वदा इस जीव के प्रति क्यों नहीं भासित तो हो रहा है? तो उत्तर होगा वह आवृत है। तो अविद्या अज्ञान के बीच कोई भेद नहीं, अविद्या उपहित जीव। हाँ, अविद्या उपहित घट, अविद्या उपहित घट हम नहीं कह रहे हैं। क्यों? घटावच्छिन्न चैतन्य में आवरण है, इसीलिए जीव उस घट को नहीं देख पा रहा है। इसीलिए हमने अंधकार का दृष्टांत दिया। आप यहाँ से देख रहे हैं अंधकार में एक घट है, तो क्यों नहीं दिख रहा है? वहाँ अंधकार है, अंधकार के द्वारा वह आवृत है, तो इसी से आप उसको नहीं देख पा रहे हैं। इसी तरह देखिए, आवृत इसका अर्थ क्या है? प्रकाश का संबंध उस घट के साथ नहीं है। घट को आँख से देखने के लिए घट में प्रकाश का संबंध होना आवश्यक है। हम यही कहेंगे, घट को देखने के लिए घट के साथ चैतन्य प्रकाश का संबंध होना आवश्यक है। उसमें भी अनावृत चैतन्य प्रकाश का संबंध, अनावृत। यदि वह चैतन्य आवृत होता है तो कोई फायदा नहीं। टॉर्च है, टॉर्च के ऊपर कुछ रख रहे हैं। हाँ, और वो प्रकाश उस पर नहीं पड़े, कुछ प्रयोजन नहीं। तो चैतन्य का संबंध विषय के साथ वो होता है, वहाँ अनावृत चैतन्य संबंध होने पर ही उस वस्तु का ज्ञान हो सकता है। हाँ, तो इस तरह यदि देखते हैं, घटावच्छिन्न चैतन्य का ही न घट के साथ संबंध है, घटावच्छिन्न चैतन्य में इस अज्ञान ने आवरण करके रखा है, तो अनावृत चैतन्य वह नहीं बनता। तो अनावृत चैतन्य प्रकाश का संबंध न होने से वह घट नहीं दिख रहा है, सर्वदा दिख नहीं रहा। किंतु जब अंतःकरण वृत्ति वहां पर जाती है और यह अंतःकरण वृत्ति घटावच्छिन्न चैतन्य निष्ठ उस आवरण को हटा देती है, तब अनावृत चैतन्य का संबंध आ जाने से वह घट उस जीव के लिए प्रकाशित होने लगता है, ठीक है। तो अब वृत्ति का क्या प्रयोजन है यह आपने देख लिया। घट में अनावृत चैतन्य संबंध को बना करके माने घटावच्छिन्न चैतन्य गत आवरण को हटाना ही उसका प्रयोजन है। तो यह आवरण अभिभवार्था वृत्ति ही ऐसा कहते हैं। एवं सती सर्वदा न घटादेहे भान प्रसंगः अनावृत चैतन्य संबंधस्यैव भान प्रयोजकत्वात्, ठीक है। अच्छा, अब एक प्रश्न करते हैं, उसका प्रश्न का उत्तर देते हैं। तस्य च आवरणस्य सदातनत्वे कदाचिदपि घटादिभानं न स्यात् इति तद्भंगे वक्तव्ये तद्भंगजनकं न चैतन्यमात्रं तद्भासकस्य तदानिवर्तकत्वात्। यह इसलिए आता है, वृत्ति उस अंतःकरण वृत्ति उस आवरण का
नाश करती है, इसमें क्या प्रमाण? अंतःकरण वृत्ति ही उस आवरण का नाश करती है, यह आप कैसे कह रहे हैं? तो हम इसमें यह प्रमाण देंगे, जब आप उस चैतन्य में आवरण है इतना मान लिए, तो अब आप बताइए वह आवरण नित्य है अथवा अनित्य है? अनादि हो सकता है, लेकिन उसका नाश होता है अथवा नहीं? यदि नाश नहीं होता तो कभी भी घटादि का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि आवृत ही रहता है, इसलिए अवश्य उसका नाश होता है जब हम घट को देखते हैं, ऐसा कहना पड़ेगा। तो उसका नाशक क्या है? नहीं, दृष्टि अनुपन्न ना, जब नाश होता है यह अवश्य वक्तव्य है, तो उसका नाशक क्या है? तद्भंग जनकम, इसका हम अन्वेषण करते हैं। वो केवल चैतन्य मात्र उस आवरण का नाशक है, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। नहीं तो आवरण ही नहीं रहता। तद भासक से तद अनिवर्तकत्वा, चैतन्य से तो आवरण का भी भासक है और आवरण का निवर्तक वह नहीं है, तब क्या करेंगे? एक दूसरा पक्ष आता है, नापि वृत्त्युपहितम चैतन्यम, वृत्त्युपहित चैतन्य को हम उस आवरण का नाशक मान लें। तो जब वृत्ति होती है तब उस आवरण का भंग होता है और विषय प्रकाशित हो जाता है, तो इसमें भी थोड़ा दोष है। परोक्ष स्थले भी तन निवृत्त्यापत्ते, परोक्ष स्थल में भी तो वृत्ति होती है, वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य होता है, और यही वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य विषयगत चैतन्य आवरण का विनाशक मान लें तो परोक्ष और प्रत्यक्ष में कोई भेद ही नहीं रह जाता। तो इसलिए क्या कहना पड़ेगा? परोक्ष व्यावृत्त वृत्ति विशेषस्य अथवा तदुपहित चैतन्यस्य वा आवरण भंग जनकत्वम्। परोक्ष वृत्ति से अलग करके एक वृत्ति विशेष को दिखाना पड़ेगा, वह है प्रत्यक्ष स्थल की स्थलीय वृत्ति। इसका यह विशेष है, यह वृत्ति विषय पर्यंत पहुंचती है, परोक्ष वृत्ति विषय तक जाती नहीं, वह केवल शरीर के अंदर ही उत्पन्न होती है, तो यही उसका विशेष है। तो परोक्ष व्यावृत्त, परोक्ष वृत्ति से विलक्षण एक वृत्ति विशेष, तो विषय पर्यंत जाने वाली वृत्ति, वृत्ति को कहें अथवा वृत्त्युपहित चैतन्य, एतादृश वृत्त्युपहित चैतन्य कहें तो कोई आपत्ति नहीं। इन दोनों में एक है उस आवरण का नाशजनक, आवरण भंग जनकत्व स्वीकार्य। तो इस तरह देखेंगे तो चैतन्य तो पहले से है, वृत्ति ही इस समय उत्पन्न हुई है जिसके कारण उस आवरण का नाश हुआ है। तो इस प्रकार देखते हैं तो जागृत स्थल में वृत्ति का जो निर्गमन है, विषय पर्यंत गमन, उसका प्रयोजन होता है विषयगत चैतन्यगत आवरण का अभिभव। तो इस तरह आवरणाभिभवार्था वृत्ति ही यह कहते हैं, आवरण अभिभवार्था वृत्ति ही इत्युच्यते, एक पक्ष हुआ। अब संबंधार्था वृत्ति ही इसको आगे करें।